हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजम खान के इस एनकाउंटर वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को कहा, हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रविवार को रामपुर जेल से शिफ्ट किया गया था। इस दौरान आजम खान ने बड़ा दावा करते हुए कहा था, हमारा एनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अब इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार सुबह 5 बजे सपा नेता को शिफ्ट किया गया। वहीं पूर्व सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 18 अक्टूबर को रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में दोषी ठहराया था और 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग जेलों में भेजे जाने के फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि आजम खान के परिवार को जिस प्रकार प्रताड़ित किए जाने का कुचक्र चल रहा है वो बेहद निंदनीय है। वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए भी अखिलेश यादव ने सेम चीज लिखी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, माननीय आजम खान के परिवार को जिस प्रकार प्रताड़ित किए जाने का कुचक्र चल रहा है वो बेहद निंदनीय है। परिवार के सदस्यों को अलग अलग करना सत्ताधारियों की सियासत का पुराना चलन है और उम्र के तजाके से किसी भी हाल में जायज नहीं। इंसाफ के लिए उनके संघर्ष में हम सब साथ खड़े हैं और रहेंगे। आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा दावा किया है। जहां एक तरफ आजम खान के बयान के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें सपोर्ट करते नजर आए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।